Good morning everyone. Continuing with our next topic, that is labeling. Labeling भी एक important part है जिससे आप identify कर सकते हो product को, जैसे कि branding और packaging है. Labeling का मतलब होता है attach करना या tag करना labels को product के साथ, और ये भी packaging का ही part होता है. जो packaging है और labels हैं वो buyers को accurate और up to date information देते हैं about the contents and necessary guidance regarding the use of the product. पैकेजिंग जो प्रोसेस है वो तभी कंप्लीट माना जाता है जब आप उसे एक प्रॉपर लेबल दे देते हो. तो जो लेबलिंग है वो इंटीग्रल पार्ट है पैकेजिंग का. लेबलिंग का मतलब है आइडेंटिफिकेशन मार्क देना पैकेज के ऊपर. तो लेबल का क्या मीनिंग होता है? लेबल जो होता है वो इंफॉर्मेटिव टैग या स्टिकर होता है जो आप प्रोडक्ट के साथ अटैच करते हो उसके पैकेज पर. जैसे जब आप प्रोडक्ट को देखते हो तो प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग होती है उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें लिखी होती हैं कि कैसे प्रोडक्ट को यूज़ करना है, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं. वो जो सारी इंफॉर्मेशन होते हैं दोज ऑल आर पार्ट ऑफ लेबल. तो जो एक लेबल है वो एक पीस ऑफ पेपर पे भी हो सकता है, प्रिंटेड मैटर भी हो सकता है, इम्प्रिंटेड मटेरियल भी हो सकता है जो मेटल पे आपने इम्प्रिंट किया हुआ है, लेदर और सील की फॉर्म में हो सकता है, जो पैकेज का पार्ट भी हो सकता है या उसके साथ अटैच किया हुआ भी हो सकता है. उसमें वर्बल इंफॉर्मेशन होती है अबाउट कंटेंट, प्राइस, नेम, प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, ब्रांड नेम, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट और अदर बेनिफिशियल और नेसेसरी इंफॉर्मेशन. अकॉर्डिंग टू मेसन एंड रेथ, द लेबल इज एन इंफॉर्मेटिव टैग, रैपर और अ सील अटैच टू अ प्रोडक्ट और पैकेज ऑफ अ प्रोडक्ट. तो लेबल क्या है? एक इंफॉर्मेशन का टैग है जो एक रैपर और सील अटैच होती है एक प्रोडक्ट के साथ या पैकेज जो प्रोडक्ट का है उसके साथ. तो इम्पॉर्टेंट फीचर है प्रोडक्ट का लेबल भी. और जो भी लेबल है वो यूज होता है कम्युनिकेट करने के लिए जो ब्रांड, ग्रेड और अदर इंफॉर्मेशन है अबाउट दी प्रोडक्ट. जो लेबल्स हैं वो पेपर का बना हुआ हो सकता है, क्लोथ, लेदर, वुड, मेटल या किसी भी अदर मटेरियल के ऊपर आप उसे लिख सकते हैं. ये किसी भी एक स्टिकर की फॉर्म में हो सकता है. लेबल डिफरेंट कलर्स और साइजेस में हो सकता है. कंटेंट्स क्या होते हैं गुड लेबल के? जो एक अच्छा लेबल होता है वो हेल्प करता है पोटेंशियल बायर को डिसीजन लेने में, और वो उसे क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है. ब्रांड नेम प्रोडक्ट का, ट्रेडमार्क कंपनी का, नेम, एड्रेस मैन्युफैक्चरर का, कलर्ड फोटोग्राफ प्रोडक्ट की, उसका साइज, अपीयरेंस, इंग्रेडिएंट्स, उसके डिस्क्रिप्शन, रॉ मटेरियल जो यूज किया गया है, वेट, मेजर, काउंट एक्सेट्रा, देन डायरेक्शन कैसे प्रोडक्ट को यूज करना है, प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लेने हैं, डेट ऑफ पैकिंग क्या है, डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है, न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस क्या है, स्पेशल केयर क्या है जो प्रोडक्ट की करनी है, देन स्ट्रेचरी वार्निंग अगर कोई है. ये सारी इंफॉर्मेशन लेबल के ऊपर ही लिखी हुई होती है. तो जो एक लेबल है उसे लीगल रिक्वायरमेंट्स जो हैं जो गवर्नमेंट ने दी हैं उसे पूरा करना होता है. तो एक जो अच्छा लेबल होता है वो सेल्स इंस्ट्रूमेंट की तरीके से काम करता है. देन नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लेबल. डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबल्स हैं जिसे हम यूज कर सकते हैं, जो मैन्युफैक्चरर है उसे यूज कर सकता है. पहला है ब्रांड लेबल. इस लेबल में सिर्फ जो ब्रांड नेम है, ब्रांड मार्क है प्रोडक्ट का वो यूज होता है. ये और कोई इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के रिगार्डिंग नहीं देता है. इस टाइप का जो लेबल होता है वो प्रोडक्ट का पार्ट होता है, पैकेज का पार्ट होता है, और जनरली जो प्रोडक्ट और पैकेज है उसके फ्रंट में लिखा हुआ होता है. जो ब्रांड लेबल होता है वो स्मॉल होता है साइज में, लेकिन अच्छी क्वालिटी का होता है, और वो एक्सक्लूसिवली प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है, और ब्रांड जो है मैन्युफैक्चरर का उसे पॉपुलराइज करने के लिए यूज होता है, और हर एक मैन्युफैक्चरर इसको यूज करता है, सच एज LG, BPL, सोनी, लेक्मे, पॉन्ड्स और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो इसे यूज करती हैं. द नेक्स्ट इज ग्रेड लेबल. जहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है वो प्रोड्यूस कर रहा है बहुत टाइप्स के प्रोडक्ट, वहाँ पर वो ग्रेड लेबल यूज करता है ताकि किस टाइप का वो प्रोडक्ट है उसे डिस्क्राइब किया जा सके. जो ग्रेड लेबल है वो स्पेसिफाई करता है क्वालिटी या स्टैंडर्ड क्या है प्रोडक्ट का उसको, जैसे कि ए ग्रेड, फैंसी, इंपोर्टेड, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, डिलक्स मॉडल,
किंग साइज, यूरो सेकेंड, लीफ टी, डस्ट टी, टी बैग्स, प्योर देसी घी, डबल रिफाइंड ऑयल एक्सेट्रा जो है इसके एग्जाम्पल है। जो ग्रेड लेबल होता है उसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी लेटर से, नंबर या वर्ड जो एग्जैक्ट क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की, जो ग्रेड है प्रोडक्ट का उसे बताता है। जो ग्रेड लेबल्स होते हैं वो सिंपल और स्मॉल इन साइज होते हैं। मेन पर्पस जो होता है दैट इज आइडेंटिफाई किया जा सके किस टाइप का प्रोडक्ट है और मिडल मैन और कंज्यूमर उसे आइडेंटिफाई कर सके। यूएसए में फेयर पैकेजिंग एंड लेबलिंग एक्ट 1966 जो है वो इंश्योर करता है फेयर पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ताकि जो इंटरेस्ट है कंज्यूमर का उसे प्रोटेक्ट किया जा सके। द नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव लेबल। ये जो लेबल्स होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं जो भी प्रोडक्ट है आपका उसके बारे में, इलस्ट्रेटिव होते हैं नेचर में, और जो डिस्क्रिप्टिव लेबल होते हैं वो फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में और प्रोड्यूसर के बारे में। जो आपके कंटेंट्स हैं, यूजेस हैं, प्रिकॉशंस हैं, क्वालिटी, क्वांटिटी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, प्राइस और अदर फीचर्स है प्रोडक्ट के, वो सारे डिस्क्रिप्शन जब आप एक लेबल के अंदर देते हो तो वो डिस्क्रिप्टिव लेबल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जो ग्लूकोडिन कफ सिरप है उसके लेबल पे आपको उसका ब्रांड नेम, इंग्रेडिएंट्स, डोसेज, प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, प्रिकॉशंस रिलेटिंग टू इट्स यूज एंड इफेक्ट्स, नेम और एड्रेस मैन्युफैक्चरर का, जैसी सारी चीजें मिलेंगी। तो एक जो डिस्क्रिप्टिव लेवल होता है वो केयरफुली डिजाइन किया जाना चाहिए, क्योंकि वो कम्युनिकेट करता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग यूज, केयर, परफॉर्मेंस, कंस्ट्रक्शन, इंग्रेडिएंट्स या अदर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोडक्ट के कंज्यूमर को, और कई पर्संस इसे इंफॉर्मेटिव लेबल भी कहते हैं। द नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन लेबल्स। जब आप जो हमने ऊपर तीन टाइप्स के लेबल किए उन तीनों का कॉम्बिनेशन या किसी दो का कॉम्बिनेशन आप यूज कर रहे हो तो उन लेबल्स को हम कॉम्बिनेशन लेबल्स कहते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है लेबलिंग के। जो एक लेबल होता है वो डिस्क्राइब करता है प्रोडक्ट की स्पेशलिटीज, जिससे जो प्रोडक्ट है वो क्विक मूवर बन जाता है। क्विक मूवर का मतलब है कि उसकी सेल्स जो है वो फास्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल जो प्रोडक्ट्स होते हैं रिप्यूटेड लेबल्स के, जैसे रीबॉक, नाइक, एलजी, सोनी, लिबर्टी, ये इजिली एक्सेप्टेड होते हैं बाय द बायर्स विदाउट एनी कन्फ्यूजन। एक जो लेबल होता है वो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है प्रोडक्ट के बारे में यूजर को। एक जो लेबल होता है वो एक्ट करता है एज अ स्ट्रॉन्ग सेल्स टूल, जो इनकरेज करता है सेल्फ सर्विस ऑपरेशंस को, क्योंकि एक लेबल जो है ऑलमोस्ट सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन बायर को प्रोवाइड करवा रहा है, तो जो बायर है उसको हेल्प होती है इन टेकिंग बाइंग डिसीजंस। जो एक लेबल होता है वो हेल्प करता है इन अवॉइडिंग दी अनवांटेड कन्फ्यूजन अमंग दी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल है मार्केट में। देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज सिग्निफिकेंस क्या है लेबलिंग का। जो लेबल है वो प्रमोशनल एज वेल एज इंफॉर्मेशनल फंक्शन को परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल जो आपके प्रोसेस्ड फूड्स हैं, पेटेंट ड्रग्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, टेक्सटाइल हैं या अदर प्रोडक्ट्स हैं, बाय लॉ उनके लिए ये चीज़ रिक्वायर्ड है कि एक फेयरली कम्प्लीट आइडिया उसके इन्ग्रीडियंट्स के बारे में आपने प्रोडक्ट के ऊपर लिखना है और उसे कम्युनिकेट करना है कस्टमर्स को। तो जो सेफ्टी वार्निंग्स हैं वो भी लेबल्स का ही पार्ट हैं जो आप सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल या पोटेंशियली हैजार्डियस प्रोडक्ट या पैकेजेस होते हैं। इंडिया में अंडर द पैकेज्ड कमोडिटीज रेगुलेशन एक्ट 1975 ये ऑब्लिगेशन है मैन्युफैक्चरर के ऊपर कि उसे डिटेल शो करनी है अबाउट दी आइडेंटिटी ऑफ द कमोडिटी, उसका वेट, क्वालिटी, बैच नंबर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एसेट्रा। तो ये जो प्रोविजंस हैं लॉ के उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने लेबल्स जो हैं वो बनाने होते हैं। जो लेबल्स होते हैं बिग कंपनी के वो ये इंश्योर करते हैं कि अच्छी क्वालिटी के साथ जो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन है वो भी कंज्यूमर को मिले, और वो इसी तरीके से पॉसिबल हो सकती है जब आप लेबल के ऊपर पूरे डिस्क्रिप्शन लिखें। देन लेबलिंग जो है वो बेस्ट तरीका है किसी भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने का। देन ये था हमारा टॉपिक लेबलिंग का। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको ब्रांड्स और ट्रेडमार्क्स के, जैसे ये वाला साइन देखिए, ये SBI का साइन होता है, ये पंजाब नेशनल बैंक का है। तो आप थ्रू दीज मार्क्स ओनली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सा प्रोडक्ट है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 10
branding, labeling, and packaging. Thank you so much.